ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है, चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहां खड़े होकर इस संस्कार धानी धरती पर खड़े होकर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्योछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे, आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहां आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है, घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की। कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के,
मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने, तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? हम सब कहते हैं, टीवी पे देख लेते हैं कि चलो घोटाला हो रहा है, कोई पैसे कमा रहा है कहीं पे, कोई नेता अपना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं भाई हमारा क्या, वो कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है। हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं है। और अगर नेता ऐसा कर रहा है, या एक राजनीतिक दल बार 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 ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। वो तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप बुरी आदत डलवा रहे हो। उस नेता को कभी यह एहसास नहीं होगा कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना है कि नहीं बनाना है ना, तो मन बना लीजिए, मन बना लीजिए, 6 महीनों में चुनाव है, 6 महीने हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, और जो आपने 18 सालों में देखा है उसका आकलन करने के लिए, 6 महीने हैं ये समझने के लिए, देखने के लिए कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं अपने प्रदेशों में। जागरूक बनकर देखिए, समझिए, सुनिए और अपना वोट अपने पक्ष में डालिए। एक ऐसी राजनीति को बनाइए अपने देश में, अपने प्रदेश में, जो आपके प्रति जवाबदेह बने। बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच पे खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोलें, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। और खामखां चुनाव की वजह से मैं यहां खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूं, मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूं, क्योंकि मैं जानती हूं
कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मुसीबतों का सामना करके, कितनी मुश्किल से निर्माण होता है, किसी चीज को बनाने में क्या नहीं लगता, खून पसीना लगता है। मेरे परिवार के सदस्यों ने खून दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो मैं जानती हूं कि निर्माण में कितना संघर्ष है, और मैं जानती हूं कि सत्ता को भोगना कितना आसान है। मुझे दिखता है कि क्या हो रहा है, और मैं चाहती हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखे, सच्चाई दिखे, और सच्चाई के आधार पर, अपने भविष्य के आधार पर, अपने देश और अपनी देश के प्रति आस्था और भक्ति के आधार पर आप अपना वोट डालें। इसलिए आज हमारे प्रचार का, शायद हमारी प्रचार का शुरुआत है। मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूं कि ये शुरुआत नर्मदा मैया के तट पर हुआ। क्योंकि हम सब जो यहां पे बैठे हैं इस मंच पर, नर्मदा मैया के तट से आए हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने, हमारी एक ही सच्चाई है। हम देश के लिए समर्पित हैं, आपके लिए समर्पित हैं, और पूरी निष्ठा से, प्रेम से आपके लिए दिन रात काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कुछ लंबी बातों को इतने ध्यान से सुना। मेरी आशा है कि इन पर ध्यान भी आप घर जाकर भी देंगे, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भलाई के लिए ही मैंने ये सब बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।